चौधरी कोचिंग क्लासेस की ओर से 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप घोषणा। ये स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस एग्जाम 2023 के SSC बोर्ड में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। CCC स्कॉलरशिप एग्जाम में अगर आप 80 से ज्यादा परसेंटेज से फर्स्ट और सेकंड रैंक पाते हो तो आपको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही साथ 10 रैंक तक विभिन्न स्कॉलरशिप है। संडे 12 फरवरी 2023 दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ये स्कॉलरशिप एग्जाम है। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के 16 किलोमीटर की दूरी पर हैं थाने में, जहां आपको बता दें कि थाने सिटी के अंदर यानी कि रेबन ग्राउंड में यहां पर प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया गया था। इस एक्सपो में हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर के जो बिल्डर हैं जाने माने विदिशा कंस्ट्रक्शन के लोग यहाँ पर मौजूद थे। हम आपको बता दें कि इस एक्सपो में खासकर दिखाया गया कि भिवंडी शहर में जिस तरह से विदिशा कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माध्यम से उन सभी के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर जो है बिल्डिंग यानी कि फ्लैट, उनके सपनों का आशियाना काफ़ी किफ़ायती दाम में जो है लोगों के बीच में लाया गया। इसको लेकर हमारे चैनल की टीम यानी कि हम यहाँ पर हमारे चैनल की टीम के साथ में पहुँचे, जहाँ आपको बता दें कि इस प्रॉपर्टी एक्सपो में जिस तरह से विदिशा ग्रुप के जो मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनसे बातचीत की, उन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो एक्सपो चल रहा है, इस एक्सपो यानी कि बेमिसाल 20 साल बताया जा रहा है और MCHI की तरफ से ये पिछले 20 सालों से किया जा रहा है कि 20वें चरण में इन्होंने अपना प्रवेश कर लिया है और जिस तरह से सफलतापूर्वक इनका 20 साल पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी चीज़ को लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो हमें बिल्डर के रूप में भिवंडी शहर से जो बिलोंग करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी आपको बता दें कि भादौड़ टेमघर में लगभग 1300 से भी अधिक लोगों को जिन्होंने घर प्रोवाइड कर दिया है और जिनका सपना है कि 10,000 जो लोग जिनकी सपनों का आशियाना जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी कम दामों में खरीदने के लिए अगर इच्छुक रखते हैं, ऐसे लोगों के सपनों को साकार करने के लिए विदिता कंस्ट्रक्शन ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनके माध्यम से किया जाने वाला है। नमस्कार, आप सभी से आज मैं रूबरू हो रहा हूँ। सर ने मुझे मौका दिया है आज आपके सामने आने के लिए। हम ये जो प्रोजेक्ट है विदिशा कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो हमारे सर अभिषेक द्विवेदी सर जी है, इनका एक सपना था कि उन्होंने विदिशा कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की है और इस शुरुआत के अंदर सामान्य नागरिकों के लिए जिन्हें अपना एक पहला घर होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप देखे जा रहे हो कि हमने इस एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम ही ऐसे इकलौते बिल्डर हैं जिन्होंने यहाँ पे आज ये घर लेके आ रहे हैं, जिसका हर किसी का सपना है कि अपना घर हो और जो अपना घर होना चाहिए वो कम से कम कीमत में होना चाहिए। तो ये इसकी शुरुआत जो है इसका एक सहभाग करिए, इसमें एक अच्छा पूरी जान डालना इस सपने को पूरा करने के लिए। हमारे जो सर है, जो डायरेक्टर साहब है अभिषेक द्विवेदी सर, इन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट के साथ इसमें डिस्कशन बातचीत चर्चा करके ये प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं। आने वाले समय में अभी और डिस्कशंस गवर्नमेंट के साथ हमारे चल रहे हैं, आने वाले समय में 10,000 घर और लोगों को भिवंडी में हम उपलब्ध कराए, ऐसी मनोकामना। प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ है भिवंडी? जी सर, हमारी जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है ये आप अगर भिवंडी बाईपास जंक्शन पे आते हो, ठाणे भिवंडी बाईपास जंक्शन पे, तो टेमघर भादौड़ ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन में अभी हमारे 6 प्रोजेक्ट वहाँ पे रनिंग में चल रहे हैं। उसमें से शिवालिक पार्क जो है, जो पहले हमने आवास योजना के तहत 800 घरों का सपना है लोगों का घर दिलाने का, वो हमने पूरा किया हुआ है और उसका पजेशन अभी हम लोग ये मार्च 2023 से देना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने शिवशाही आवास करके 320 घरों का सपना वहाँ पे लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका पजेशन अगले साल में हो जाएगा। उसके बाद हमने शंभू शंकर रेसिडेंसी नाम से अगेन 270 फ्लैट्स का हमने सपना वहाँ पे हमने शुरू किया, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। और अभी हम पासकोड माया मेरा अपना यादगार आशियाना नारायणी धाम, इस नाम से 1400 फ्लैट हम लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। ये अफोर्डेबल हाउसिंग हम शुरू कर रहे हैं, दिसंबर 2024 में इसका पजेशन होगा
और इसके साथ हम चाहते हैं, हमारे सर का सपना है कि ये सिलसिला हम लगातार जारी रहे। कम से कम 10,000 लोगों को हम उनका पहला घर, एक सपनों का घर देने के लिए हम पूरी तरह से सर हमारे उसमें लगे रहे हैं। सर, ये इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप लोग जो घर दे रहे, तो एक छोटा सा उसका आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से आवास योजना जो स्कीम है जो इसके अंदर काम करती है? सर, आवास योजना का जो स्कीम है, अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने वो कहा था कि हर व्यक्ति को अपना घर होना चाहिए। जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास है, EWS जो हम कहते हैं, जिनको एक कम कीमत में उनका खुद का घर उपलब्ध होना चाहिए, तो उस योजना को लेकर गवर्नमेंट ने लेके आए। गवर्नमेंट के साथ हम जो बिल्डर्स है, प्राइवेट बिल्डर्स के साथ हमने कोलैबोरेशन होके ये माड़ा से अप्रूवल होकर ये योजना तय होती है। इसके तहत हमारा पूरी प्रोजेक्ट को मंजूरी के साथ हम आगे आते हैं, पूरे गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ, और योजना को हम लोगों तक लेके आ रहे हैं। और ये अभी इस तरह आप देखोगे, अभी हमने जो घर लेके आए हैं उसकी कीमत है गवर्नमेंट से 19,41,000 रुपये, जिसमें आपको 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी उसमें मिलती है। वो लेस करोगे तो आपकी घर की कीमत हो जाती है 16.91 लाख। उसके साथ आपके कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट चार्जेज, ये सारी चीज़ें आप मिला के आपका घर सिर्फ 19 लाख में आपको घर उपलब्ध होता है। ये 1 BHK रहेगा और इसका जो कारपेट एरिया है 323 आपका एक्चुअल कारपेट एरिया, और इंक्लूडिंग बालकनी ये आपका 376 कारपेट एरिया आपको उपलब्ध हो रहा है इसमें। आवास योजना स्कीम जो लागू होती है तो उसमें टैक्सेशन में कुछ रिलैक्स होता है, रिलीफ मिलता है जी? एक सही सवाल आपने कहा है कि आवास योजना जब लागू होती है तो गवर्नमेंट, वो भी उसने उन्होंने ध्यान रखा हुआ है कि इसमें स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ 1,000 रुपीज़ की ही लगती है, तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है कि स्टैम्प ड्यूटी का पूरा वेवर वहाँ मिल रहा है, और 1,000 रुपये में सिर्फ आपका घर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक अच्छे सोच अच्छी जो है कह सकते हैं कि लोग इस सपने को साकार करने के लिए सर है, डायरेक्टर सर क्या अपील करना चाहेंगे? आप समझिए कि मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, पर ये जो सपना है, ये मेरे जो हमारे डायरेक्टर है कंपनी के, अभिषेक द्विवेदी सर, ये उनका एक सपना है, और उस सपने को हम, हमारा भी सौभाग्य ये हुआ है कि उनके साथ जुड़ के हम लोगों के घर को सपने, घर लेने के सपने को, अपने घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए लगे हैं। तो उनका जो सपना था कि हम ज़्यादातर ज़्यादा लोगों तक और कम से कम कीमत में घर उपलब्ध करा सकें। अभी तक कितने प्रोजेक्ट किए हमने? अभी तक 4 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, और लगभग अभी 1300 के आसपास हमने फ्लैट लोगों को दिलाए हैं। अभी हमारा ये 1400 फ्लैट का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, और आने वाले समय में हम और लगभग 10,000 घरों के लिए, अभी हमारी बात गवर्नमेंट के साथ चल रही है। ठीक।